ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 मार्च शनिवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए शनिवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप व्यवसाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेश के लिए भी आज आप अवसर ढूंढ सकते हैं। यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामकाज के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है। जय दोस्तों, चल अचल संपत्ति के दृष्टि से भी निवेश करना आपके लिए आज बहुत ही अच्छा हो सकता है, इसलिए समय और परिस्थिति को देखते हुए निवेश का भी आज अवसर तलाशें तथा निवेश करें जिससे आपको कामयाबी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत हो। दोस्तों, साथ ही साथ कोई अप्रत्याशित आय या शायद विरासत आपका इंतजार कर रही है, इस आय का अच्छे से प्रयोग करें, जैसे किसी यात्रा या ऐसी गतिविधि में जो आपके उद्देश्य का स्पष्ट अर्थ दें, उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाग में हैं और इसके लिए जरूर रिसर्च करें, अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ठ को प्रभावित करने के लिए शब्दों की अपनी निपुणता का प्रयोग करें, अपने कैरियर को बढ़ाने और कुछ पेशेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शानदार समय है। आपके साथी और सहयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे। दोस्तों, रचनात्मक कार्यों के प्रति आज आपका रुझान बढ़ेगा, इस अवसर का आप लाभ उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दें। अपनी रचनात्मकता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी कार्य क्षमता से दूसरों को आज आप प्रभावित करेंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग हैं, आस्मिक धन लाभ भी आज आपको हो सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें, किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें, अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ पारिवारिक स्थितियां तनावपूर्ण हो सकती हैं, जिसकी वजह से घर में बिखराव का माहौल हो सकता है, इसलिए घर परिवार में आपसी सामंजस्य बनाए रखने का प्रयत्न करें तथा एक दूसरे पर भरोसा करते हुए किसी भी कार्य को करें। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रयास करते हुए माता पिता से संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करें, ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूरत है, जैसे आपके भाई बहन, माता पिता या पड़ोसी, उन्हें शांति प्रदान करें। यह समय सांसारिक और व्यवहारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण को बदलने और नए विचारों को सोचने का है। बहुत से लोग आपसे कई मांगे रख सकते हैं, इससे आपका अधिकतर समय मल्टीटास्किंग में व्यतीत होगा, बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं और आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। एक नुकसान या दुखद जो अभी शायद आपके परिवार को प्रभावित कर रहा है आपको बेचैन करेगा। दोस्तों, कार्यभार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्रोध की आज अधिकता रहेगी। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों आपको अपने प्रेम जीवन में आज संभल कर चलना होगा, क्योंकि जरा सी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन में नकारात्मक रूप से आ सकता है। आपकी प्रेम पाने की भी आज मुराद पूरी होगी और ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रियतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा। दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित होने वाला है। इस दिन का आपको अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज व्यवसायिक गतिविधियां सफल होंगी और कारोबार में धन लाभ की स्थिति रहेगी। प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में निवेश करना लाभदायक रहेगा। अनावश्यक खर्च की भी अधिकता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है। दोस्तों आज आपके लिए व्यापार से संबंधित किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी आज आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं उन्हें जल्द ही सरकारी वाहन अथवा मकान का सुख मिल सकता है। आपकी आमदनी में अच्छी खासी वृद्धि आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। दोस्तों समय आज का आपके कैरियर के लिए काफी अनुकूल होगा और आपको सरकारी क्षेत्र में काफी फायदा होगा। आपको अपने कामों के लिए स्वयं पर ही निर्भर होना होगा, ना कि दूसरों पर। साथ ही साथ बेरोजगारों को भी रोजगार के नए अवसर आज प्राप्त होंगे। व्यापार धंधे में अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों की भी अधिकता रहेगी, सावधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज आपको किसी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने पर समय से उपचार कराना बेहद आवश्यक है, जिससे समय रहते किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके, सावधान रहें। इसलिए दोस्तों आप अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों वो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार काले तिल, काला कपड़ा, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल का दान, भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। या दोस्तों ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्त परेशानियों का अंत करेंगे और आपको शीघ्र ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके समस्त कार्य बहुत ही आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।